अग्निपथ योजना को लेकर समूचे देश में फैले आग पर रीवा में शांति बनाए रखने के लिए मुस्तैद हुआ पुलिस प्रशासन। आज सुबह 5 बजे से तमाम महाविद्यालयों में पहुंचकर सुरक्षा इंतजाम में लगी पुलिस फोर्स। छात्रों को समझाइश देने निकले पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है, जिसे लेकर लगातार बवाल हो रहा है। देश के कई राज्यों में आगजनी पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं। छात्र सेना में 4 साल की भर्ती वाली इस योजना से नाराज हैं। छात्रों का कहना है कि 4 साल की नौकरी के बाद 25% छात्रों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई राज्यों ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को भी प्राथमिकता देने की घोषणा की है। कई विभागों ने भी इन लोगों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इस बीच केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए ऊपरी आयु सीमा को 21 साल से बढ़ाकर 23 साल करने का फैसला लिया है। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते जिला पुलिस एहतियात के तौर पर छात्रों को समझाइश दे रहा है। योजना को लेकर कुछ भ्रम अफवाह चलते कल जिलों में जो करुण व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, उसको देखते हुए आज हमने अपने रीवा के युवाओं से संवाद किया, उन तक इस योजना के सकारात्मक पक्षों पर चर्चा की, युवाओं को प्रोत्साहित किया तैयारी करने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए और किसी प्रकार की भ्रम से अफवाह से दूर रहने के लिए। और जितने भी रीवा में ग्राउंड हैं जहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उनके कोच हैं उनसे हमारे टीम के DSP, SNSP, साहिबान ने मिलकर बात की, युवाओं से भी बात की और हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग अपनी मेहनत से लगातार तैयारी करें और अच्छे परिणाम पाए। इस दिशा में अभी हमारी बैठक कोचिंग संचालकों से भी होने जा रही है। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर हम लोग सब लोग मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखें। कॉलेजों में जाकर के भी टीम चर्चा कर रही है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ पर पहले फोकस ज़्यादा है, जैसे कि ग्राउंड जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर, इसके अलावा हमने अपने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे ये भी पता करें कॉलेज में स्पोर्ट टीचर कौन है, उनसे संपर्क करें और कॉलेज में जाकर बच्चों से संवाद करें। योजना को लेकर सरकार से कुछ अलग करने की बात की जा रही है? हाँ जी, योजना को लेकर सरकार से कुछ अलग करने की बात की जा रही है? नहीं, हम लोग तो बच्चों को समझा रहे हैं जाके कि योजना के लाभ क्या है, सकारात्मक पहलू क्या है, जो उन तक नहीं पहुँच पाए थे और कुछ भ्रम और अफवाह उन तक पहुँच गई थी, इस कारण कुछ जगह पर समस्या हुई। हमें लगता है कि हमारे यहाँ सब लोग इस बात का एहसास है, उनको समझ रहे हैं कि उनको मेहनत का कोई तोड़ नहीं और जो भी योजना है उनके हेल्थ के लिए है और उसके सकारात्मक पहलुओं को उन तक नहीं पहुँचा है। थैंक यू।